चाहती। मैं कोई सलीकाशाह लड़की नहीं हूं। अपनी माँ के नफ्सियाती मसले का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये कोई 6 साढ़े 6 साल की थी मैं, जब मेरे अब्बा ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली थी उन्होंने। बस मेरी माँ आज तक उस जाने के जेर असर है। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन कभी कभी 20 बरस गुजर गए इस बात को, लेकिन आज 20 बरस बाद भी ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। आज तक मेरी माँ ने मेरे अब्बा को अपने दिल में जिंदा रखा है, और शायद इसी गम ने उन्हें मेरी तरबियत से भी गाफिल कर दिया। बहुत मोहब्बत करती होंगी तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से। जाहिर है, इसीलिए तो इतनी देर हो गई आप ऐसे ही बैठी हुई हैं। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, अच्छी चाय बना लेती हूँ मैं, लग रहा है आपको पसंद आए। कबाबों में मिर्चें ज़रा तेज़ हो गई हैं, मगर अच्छे बनाए। और ये ज़रा तेल की फाहिशारी से इस्तेमाल किया करो। मगर चाय तुमने बड़ी उम्दा बनाई, हालांकि मुझे नफरत है बस स्टॉपों की मोहब्बतों से, मगर तुम मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगी हो। आरिफा, आरिफा, क्या लड़के की अम्मा आ गई? आरिफा, ये तुम हो नासरा? कहां गई वो सितारा सी आंखें जिनकी चमक से सब चीज धुंधला जाती थी? कहां गई वो हिरनी जैसी मस्तानी चाल? कहां गया वो दुबला पतला नाजुक सरापा? कहां है, कहां गई वो छल्ला सी कमर? इन्हीं सब चीजों पर तो तुमने मुझसे मंजूर को छीना था ना? अब देखो, कम से कम तुमसे तो बहुत बेहतर नजर आती हूं मैं। देखो, तुम तो दुबली पतली नाजुक सी हिरनी जैसी थी, और अब थोक का गोला बना लिया है तुमने अपने आप को। गोश्त का पहाड़ लग रही हो, गोश्त चढ़ा लिया है तुमने अपने ऊपर। गोश्त नहीं है, गोश्त नहीं है, सूजन है, खुदा की कसम सूजन है। तुम ठीक कहती हो कि तुम मुझसे बेहतर हो, मैं इससे इनकार तो नहीं कर रही।
जब मैं अपनी तस्वीरें देखने बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो तस्वीरें किसी और की हैं। वो तस्वीरों वाली लड़की तो मैं लगती नहीं। तुमने छीना था ना मंजूर को मुझसे। याद है वो टावर का बस स्टॉप जहां मैं और तुम फैक्ट्री जाने के लिए सुबह सुबह खड़े होते थे, घंटे घंटे बाद हमारी बस आती थी। एक बस निकल जाती थी तो दूसरी बस फिर एक घंटे के बाद आती थी, और उस एक घंटे में कितनी बातें करते थे हम, नदीम से लेकर शबनम तक, ईरान की मलका फरादीवा के चुस्त कपड़ों से लेकर उसके घरेलू हालात तक। और हमारी बातें कैसी जंगली बिल्लियों की तरह चक्कर काटती थी। उसी बस स्टॉप पर मैंने तुमसे अपने मालिक मकान के बेटे का जिक्र किया था ना, जिस पर तुमने कहा था कि मिलवाओ तो जाने, इन जबानी कलामी तारीफों में हम नहीं बहलने वाले। मैंने सोचा सहेलियों में कैसा पर्दा, और मैंने तुम्हें और मंजूर को उस बस स्टॉप पर मिलवा दिया। अम्मा ठीक कहती थी, किश्वर तूने दिमाग की जगह दिल फिट करवाया हुआ है, इसीलिए तो कोई कदम उठाते हुए नहीं सोचती। मैंने तो सोचा भी ना था, मैं समझती थी कि मंजूर मेरी मुट्ठी में है, इसने निकल के भला कहां जाना है। मगर मैं क्या जानती थी उस वक्त कि कुछ सहेलियों के औसाफ पिछल पैरियों जैसे होते हैं। मेरी नाक के नीचे से तुम मंजूर को उड़ा रही थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि क्यों मंजूर कॉलेज जाने के लिए उसी वक्त निकलता है जब मैं और तुम फैक्ट्री जाने के लिए वहां निकलती थी। मेरे घुटने की हड्डी क्या उतरी कि मैं भी उसके दिल से उतर गई। मुझे तो लोग खबर देते थे तुम्हारी कि आज तुम्हें मंजूर ने बर्फ की कुल्फी खिलाई।